हे गाइस ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली क्या आज मैं बात करने वाला हूँ फोन पे के ऊपर, यानी फोन पे में बहुत सारा अपडेट दिया गया है फोन पे की तरफ से, यानी इसमें नया नया क्या क्या अपडेट आया है पूरी मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। उससे पहले क्या आप चैनल पर नया है जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला बेल आइकन को भी प्रेस की ताकि मिलता रहे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको एक लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, तो जो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलो कैसे चलते मोबाइल की स्क्रीन की ओर, देखते हैं क्या क्या नया अपडेट आया है फोन पे एप्लीकेशन का। तो गाइज मैं फाइनली आज को अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर ओपन करके रखा हूँ फोन पे एप्लीकेशन को। तो गाइज सबसे पहले हमको फोन पे एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, इसमें क्या क्या अपडेट आया है मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप सबको कुछ हानि भी हो सकता है और कुछ फायदा भी आप सबको हो सकता है, यानी लाभ और हानि आपका दोनों होने वाला है इस अपडेट में। गाइज सबसे पहले आप इधर देख पाएंगे आपका जो रिमाइंडर, यानी आप लोग किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिए हैं एक बार, तो आपको रिमाइंडर यानी पर मंथ आपको एक रिमाइंडर आपको आता रहेगा कि भाई आप एक बार इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किए हैं तो आप लोग दोबारा पेमेंट कीजिए। तो अगर आप लोग को नहीं पेमेंट करना है तो आप लोग इधर देखिए डिसलाइन का ऑप्शन आपको दिया गया, आप डिसलाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिल गया कंफर्म का, चलो मैं फाइनली कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। तो गाइस ये फेरा मेरा अभी फाइनली जो अभी हो गया कि ये मेरा अभी है फाइनली, अभी मैं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट अभी नहीं कर पाऊँ, यानी मैं फाइनली इसको कैंसिल कर दिया हूँ। उसके बाद गाइस सबसे पहले नया जो अपडेट इसका आया है मनी ट्रांसफर को लेकर, अगर आप लोग इधर से मनी ट्रांसफर करते थे यानी किसी भी मेंबर को, तो हम लोग अकाउंट में आते थे, अकाउंट में आने के बाद हम लोग इधर से एग्जाम्पल फॉर में मान लो किसी का अकाउंट नंबर में अभी सिलेक्ट कर लिया फिलहाल में, उसके बाद गाइस हम लोग इधर से ट्रांसफर करते थे 5,000 रुपया या 10,000 रुपया। तो गाइस अभी आप लोग 5,000 और 10,000 भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग को लिमिट फिक्स किया गया था फोन पे की तरफ से कि आप लोग एक बार में आप 10,000 ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अभी आप 10,000 भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ट्रांसफर करके दिखलाता हूँ। तो गाइस उसके बाद जो इसका जो एक नया प्रोसेस डाला गया है केवाईसी के लेके, यानी अगर आप सबका पास फोन पे के केवाईसी एक्सपायर हो चुका है तो अभी आप लोग क्या करेंगे, एक्सपायर होने के बाद अभी नया अपडेट दिया गया है कि आप सब अभी फोन पे के केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हर सिटी में अवेलेबल नहीं दिया गया है। जैसे कि बड़ा सिटी जैसे दिल्ली, अगर आप लोग दिल्ली में है तो आपको दिल्ली में हो जाएगा, आप लोग महाराष्ट्र में हैं यानी मुंबई में तो आपको मुंबई में केवाईसी इसका हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग कहीं अदर स्टेट में रहते हैं तो आप वो तो हमको नहीं मालूम फिलहाल कि आप लोग किधर ये वीडियो देख रहे हैं, बट हमको दो स्टेट का भी जो फाइनली कंफर्मेशन आ चुका है कि आप लोग मुंबई और दिल्ली के अगर हैं आप लोग रहने वाले तो आप सबको फाइनली ये केवाईसी फुल हो जाएगा फोन पे के लिए। कैसे उस पहले आपको फोन पे केवाईसी करने के लिए इधर आप फोन पे वॉलेट पर क्लिक करना पड़ेगा, चलो फाइनली फोन पे वॉलेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप फोन पे वॉलेट पर क्लिक कर देंगे तो गाइस देख पाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का, तक फाइनली आपको विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे विड्रॉ नोट सपोर्टेड, यानी ये मैं पैसा जो इसमें अभी लोड करूंगा तो मैं इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। इसके लिए हमको बताया जा रहा है कि ऑफलाइन केवाईसी, यानी आप लोग केवाईसी करवा सकते हैं, इसके लिए आपको एक ब्रांच रखा गया है इसका फोन पे वॉलेट का, यानी जैसे कि हम लोग फोन पे यानी एयरटेल का गैलरी देखते थे, इससे पहले आइडिया की गैलरी देखते थे, उसी प्रकार एक फोन पे का भी एक गैलरी बनाया गया है जो कि अभी हर स्टेट में नहीं बनाया गया है। आई थिंक हमको लग रहा है कि धीरे धीरे ये बन जाना चाहिए, बट जो कि मेन सिटी है उस सिटी में अगर आप लोग रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि दिल्ली मुंबई इस सब में अगर आप लोग रहते हैं तो आप सब इधर से फुल केवाईसी करवा सकते हैं। अगर हाँ आप लोग बाहर भी रहते हैं ये स्टेट से यानी मुंबई दिल्ली से अगर आप लोग बाहर भी रहते हैं तो इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट फिक्स करना पड़ती है, यानी एक डेट आपको फिक्स करना पड़ेगा जो कि उस डेट पे आके आपको फोन पे के केवाईसी करके वो कस्टमर चला जाएगा, जो कि अभी स्टार्ट यानी केवाईसी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप से केवाईसी करवा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इधर आपको मोर पे क्लिक करना पड़ेगा, मोर पे करने के बाद आप इसका पूरे हिस्ट्री जान सकते हैं कि आपको क्या क्या फिलहाल में अवेलेबल मिलेगा और क्या क्या अवेलेबल नहीं मिलेगा। कैसे कि फाइनली आपको देखेंगे अभी आपका जो मंथली लिमिट जो था आपको 1,00,000 था वो आपको कर हटा दिया गया है, एड मनी का भी सुविधा आपको हटा दिया गया है, और ड्रेल यानी विड्रॉ मनी टू बैंक अकाउंट यानी आपको अगर मनी ट्रांसफर दस करते हैं वो भी आपको बेनिफिट हटा दिया जाएगा। इसके लिए आपको केवाईसी करना अनिवार्य हो गया, इसके लिए आप लोग आप लोग इसका केवाईसी कर लीजिए ताकि आप सबके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले उसके बाद मैं दो आपको अपडेट अभी तक बता दिया, तो जरूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। गाइज अगर आप सब सेविंग अकाउंट यानी सेविंग म्यूचुअल फंड अगर आप लोग चालू करना चाहते हैं तो इधर से सेविंग म्यूचुअल फंड भी शुरू हो चुका है फोन पे ने, अपनी वेबसाइट पे ही ये लॉन्च कर दिया गया था। आपको इधर देख पाएंगे ज्वाइनिंग ओवर 50,00,000 इंडियंस सेव टैक्स सम्राटली टैक्स जो दिया गया है टैक्स सेविंग फंड, यानी आप लोग इधर से सेविंग भी कर सकते हैं। चलो पहले मैं इस पे भी आपके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूं कि इसका क्या क्या अभी फिलहाल में अपडेट दिया गया है। तो गाइस सबसे पहले इधर देख पाएंगे सेविंग अप में हमको बताया जा रहा है कि आपको 46,800 इन टैक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्री
फॉर्म टैक्स, यानी आपको कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इधर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि 46,800 रुपये तक आपको टैक्स का है इधर का अवेलेबल जो फिलहाल में दिया गया है। अगर आप सबका जो भी इधर रहेगा आपको सब कुछ आपको इंस्टेंट में हो जाएगा, जो कि 5 मिनट आपको लगेगा, और 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसका जो भी प्रोसेस है आपको इधर से सब कुछ देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे में एक वीडियो दिया गया है, तो आप सब ये वीडियो देख के आप सब पूरा जानकारी ले सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड का ये दिया गया है फिलहाल में। गाइस इससे पहले हम सब किसी भी वर्चुअल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते थे फोन पे एप्लीकेशन में, तो वो अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली दे दिया गया है फोन पे तरफ से एक अपडेट आ गया है कि अभी आप सब इसमें कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा, जिसके लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड से मनी भी लोड कर लेते थे, बट अभी आप लोग वो भी नहीं कर पाएंगे, यानी फाइनली इसका स्ट्रिक्ट वार्निंग आ गया। हाँ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप लोग डेबिट कार्ड से इसमें लोड मनी कर सकते हैं, बट वर्चुअल डेबिट कार्ड कोई भी इस एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा, जो कि फाइनली तरह से इसका अपडेट आ चुका है। गाइज अगर आप सब इस फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे रेफरल कोड से अगर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आप सबको 200 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, जो कि आपके इस फोन पे वॉलेट में आपको कैशबैक मिल जाएगा। वो वॉलेट को आप सब अपना रिचार्ज DTH में या मोबाइल रिचार्ज में भी आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपका फुल KYC हो जाता है तो आप ये पैसा को जो हमारे रेफरल कोड से आपको पैसा आएगा उस पैसा को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि फुल KYC होने के बाद ही वो पैसा को आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि फाइनली आपको मैं अपडेट दे दिया फोन पे के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए जो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।